100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, यह चिंता की बात है कि कई बार माननीय नेताओं ने किसानों की समस्या को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। आज लाखों की तादाद में वे किसान दिल्ली में इकट्ठे होंगे। हालत यह है कि अभी तक किसानों ने कुछ ही सूबों जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में आत्मदाह किया था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी आत्मदाह करने की घोषणा कर दी है। दिल्ली के नजदीक हापुड़ में 5 लाख बोरे कोल्ड स्टोरेज में पड़े हुए हैं। अब उनके मालिकों ने फैसला कर लिया है कि हम आज से बिजली बंद कर देंगे, आलू बर्बाद हो जाएगा, जबकि अभी बाजार में नया आलू आ गया है। पैरा, हमारा कहना है कि चाहे आलू का किसान हो या किसी भी पैदावार का किसान हो, वे सब बर्बाद हो रहे हैं। इसी तरह सरकार की उदार नीति के चलते 40,000 करोड़ रुपए केवल सरसों के तेल में विदेशी कंपनियों ने कमा लिए हैं। आज हमारे किसान को लूटा जा रहा है। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमारी भावनाओं का आदर करने का मतलब देश की भावना का आदर करना है। किसान के बिना आज अर्थव्यवस्था सुधर नहीं सकती। आज कोई भी विदेश कंपनी हो, विदेशी कर्जा हो, देश को ताकतवर बनाना हो या उद्योग चलाना हो, बिना किसान की पैदावार के आप कामयाब नहीं हो सकते। आज पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, जबकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है। यहाँ 76% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। जैसा अभी वासुदेव आचार्य जी ने बताया कि अपने यहाँ 72% लोगों के पास अपनी खेती है और 4% ऐसे लोग हैं जो खेतिहर मजदूर हैं। वे सब आज बेकार हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। पैरा, आज देश में मंदी और महंगाई दोनों चल रही हैं। किसान की जो पैदावार है वह सस्ती है, उसे कोई भी खरीदने वाला नहीं है। दूसरी तरफ किसान को पैदावार के लिए खाद चाहिए, जो महंगी भी है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ यहाँ किसान को खेती में जो सब्सिडी मिलती थी वह बंद कर दी गई है, और दूसरी तरफ धनी देशों ने अपने किसानों को 6 गुना सब्सिडी देना शुरू कर दी है। यह बड़ी चिंता की बात है। आप कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी। मेरा कहना है कि इस पर रोजाना चर्चा हो रही है, लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक गंभीरता से कोई निर्णय नहीं लिया है। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि कुछ ही समय बाद हिंदुस्तान का किसान इस तरह की नीतियों के चलते अपनी खेती छोड़ने को मजबूर हो जाएगा। असली बात तो नीतियों के सवाल की है। अभी परसों हमारे भूतपूर्व स्पीकर साहब ने अच्छी बात कही थी कि आज उपभोक्ता
भी लूटा जा रहा है और किसान भी लूटा जा रहा है। आखिर किसान के बारे में आज आपकी क्या नीति है?